हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। तो अभी आज है शनिवार और आज अभी मैं जस्ट सोने के लिए जा रहा था। अभी 10 बज चुके हैं तो मैंने सोचा क्यों ना एक ट्यूटोरियल वीडियो डाल दें। पिछला हमारा जो पॉलीनोमियल चैप्टर था क्लास 9th का, तो वो 2.1 तक कंप्लीट हो गया था। 2.2 का डालना था तो मैंने सोचा क्यों ना अभी सोते सोते एक वीडियो डाल दूं। 2.2 एक्सरसाइज पॉलीनोमियल चैप्टर क्लास 9th। तो आप लोग, तो दोस्तों बिना वेट करे हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आप लोग बने रहिए वीडियो में और ध्यान से समझिए। जो स्टूडेंट हैं वो इसको ध्यान से समझिए और कुछ क्वेश्चंस जो नहीं किए हुए हैं उसको आप लोग सॉल्व करके देखिए। तो चलिए गाइस, मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। ओके दोस्तों, हम लोग आ जाते हैं पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0। सेकेंड था x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो जैसा कि वो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है? व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, जबकि एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है हमको? 0 दिया हुआ है। तो हम एक फर्स्ट वाला करके देखते हैं। फर्स्ट में क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0, अगर एक्स की वैल्यू 0 होती है देन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन पॉलिनोमियल। तो हमने क्या किया, 5x माइनस 4x² प्लस 3, ये मेरा पॉलिनोमियल था जो कि ऊपर दिया हुआ है। इसमें मैंने जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर 0 की वैल्यू डाल देनी है, मतलब क्योंकि हमारा एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, एक्स इज 5 × x था तो 5 × 0 माइनस 4 × 0 का होल स्क्वायर, बिकॉज यहां पर क्या है एक्स की पावर स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब हम इसको क्या करेंगे, 5 0 जा 0 माइनस, अब 4 से भी 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 जा 0 प्लस 3, ऐसे का ऐसे ही। तो 3 + 0 माइनस 0 यानी कि आंसर आ जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया एक्स की वैल्यू। जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तब हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 3। अब यहीं पर अगर हम मान लो एक्स की वैल्यू यहां पे सेकंड वाले में क्या दिया हुआ, -1। अब अगर इफ एक्स इज इक्वल टू -1 होता है, मैं आपको रफली यहां पर बता देता हूं, देन अगर तब हमारा क्या होता है देखते हैं। तो 5x माइनस 4x² प्लस 3, देन हम क्या करेंगे, 5 × -1। कभी भी ध्यान देना, माइनस वाले नंबरों को हमेशा क्या करना, ब्रैकेट के अंदर डालना, तो आपको इजी होगा सॉल्व करने में और आपसे गलती नहीं होगी। तो 5 × -1 माइनस 4 × -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 × -1 यानी कि -5, 5 × 5 एंड -5 माइनस, अब यहाँ पे -1 और -1 क्या होता है, +1, -1 का होल स्क्वायर है, -1 × -1 +1 और +1 × -4 -4 +3। तो -5 और -4 -9 +3 यानी कि -6। ये आप लोगों को पता होगा कि कैसे करते हैं, -5 और -4 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 और 4 को प्लस कर देंगे 9, एंड बड़े का साइन माइनस है तो -9 +3। अब इसमें माइनस प्लस माइनस करेंगे, इसका मतलब 9 − 3 = 6 हो जाएगा, एंड बड़े का साइन 9 बड़ा है तो 9 का साइन है माइनस, तो -6। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P0 P1 P2 ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल पहला मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पॉलिनोमियल को हमेशा इस टाइप से डिनोट करते हैं हम लोग, पी और ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल। तो इसमें हमको एक पॉलिनोमियल दे रखा है फर्स्ट वाले में, PY = Y²−Y+1। अब हमने जहां जहां पर हमने P0 निकालना है, तो जहां जहां पे वाई है तो हमने वहां वहां पे 0 की वैल्यू पुट कर देनी है। तो पी वाई यानी कि P0 निकालना है तो 0² − 0+1 यानी कि 0² का हो गया 0 − 0+1 यानी कि आंसर आ गया 1।
ऐसे ही आप पी वन निकालना है। अब क्या, जैसे पी जीरो निकाला, आप पी वन निकालना है उसी सेम पॉलिनोमियल का। मतलब अब हमने वन वैल्यू पुट कर देनी है जहां जहां पे वाई है। तो हमने कर दिया वाई स्क्वायर था वन स्क्वायर माइनस वाई माइनस वन और प्लस वन, देन वन स्क्वायर वन हो गया माइनस वन प्लस वन, वन वन जीरो हो गया, वन माइनस वन जीरो प्लस वन, यानी कि आंसर आ गया वन। अब हमने निकालना है पी टू, पी टू निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम टू का स्क्वायर माइनस टू, जहां जहां पे मतलब अब उस पॉलिनोमियल में जहां जहां पर हमारा वाई था वहां वहां पे हम टू पुट कर देंगे। यानी कि मेरा क्या था यहां पर वाई स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया टू स्क्वायर माइनस वाई माइनस टू और प्लस, सॉरी यहां पे वन आ गया, इसको लिख देना है वन। अब इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके निकाल लीजिए और बाकी के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब हर पॉलिनोमियल के सामने एक बोल रखा है इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, मतलब हर पॉलिनोमियल के सामने एक एक जीरो दे रखा है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू दे रखी है उस वेरिएबल की वैल्यू। वो बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है ये इसका जीरो है कि नहीं है जीरो। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था स्टार्टिंग में कि क्या होता है कि ये इसका फैक्टर होता है जीरो, मतलब हो गया एक तरह से फैक्टर, ठीक है। अब हमने इसको करना कैसे है कि अगर एक्स की वैल्यू माइनस वन अपॉन थ्री है देन क्या करेंगे हम, वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे पॉलिनोमियल में। पी एक्स इजिकल टू थ्री एक्स प्लस वन था, यानी कि पी माइनस वन अपॉन थ्री इजिकल टू क्या हो जाएगा, थ्री इंटू एक्स की जगह हम डाल देंगे माइनस वन अपॉन थ्री प्लस वन, यानी कि मेरा थ्री से थ्री कट जाएगा, बचा गया माइनस वन प्लस वन, यानी कि आंसर आया जीरो। ये एक तरह से क्या होता है, ये एक तरह से रिमाइंडर थ्योरम भी बोल सकते हैं हम इसको। यहां पर ये जो वैल्यू आती है लास्ट में ये हमारा रिमाइंडर होता है जब हम किसी भी मतलब एक्स वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, और जो रिमाइंडर आता है अगर वो जीरो है, इसको हम लास्ट में जो वैल्यू आती है पॉलिनोमियल की वो रिमाइंडर होता है। अगर वो रिमाइंडर जीरो आता है तो इट मींस हम बोल सकते हैं कि एक्स माइनस वन अपॉन थ्री इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल थ्री एक्स प्लस वन। क्लियर है। अब इसी में आप सेकेंड वाला पार्ट देखेंगे इसका, उसमें क्या है जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या दे रखा है, पी एक्स की पावर फाइव एक्स माइनस पाई। अब आप लोगों के दिमाग में होगा कि सर पाई वाला कैसे करेंगे हम, तो फाइव एक्स माइनस पाई यार यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, फोर अपॉन फाइव, कुछ भी नहीं है। हमने क्या करना है, सिंपली पाई की वैल्यू हमको पता है कि 22/7 होती है, हमने वो पुट कर देना है। यानी कि पी फोर अपॉन फाइव इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा, फाइव इंटू फोर अपॉन फाइव माइनस 22/7। इस पाई की जगह हमने वैल्यू डाल दी 22/7। अब ये 5 से ये मेरा 5 कट जाएगा, बचा क्या 4 माइनस 22/7, यानी कि एलसीएम लेंगे हम इधर पर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है एक तरह से, तो 7 1 जा 7 एलसीएम, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 7 4 जा 28 माइनस 1 इंटू 22 22, यानी कि 28 माइनस 7 हो गया 6/7। इट मीन्स ये मेरा रिमाइंडर आ गया 6/7, मतलब यहां पे जीरो नहीं आया, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं रिमाइंडर इज इक्वल टू 6/7, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब ये जो वैल्यू है एक्स की ये इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर मेरा आ गया 6/7, यहां पे जीरो नहीं आया है। क्लियर है। तो अब आप लोगों को पूरा क्लियर हो चुका होगा, तो इसके आगे के आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चंस। अगर किसी में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको पूछ लीजिए। अब जैसा कि थर्ड वाले में आप देख सकते हैं यहां पर एक्स की वैल्यू 2 दी हुई है, तो आप लोगों को डाउट हो जाएगा कि एक्स की वैल्यू 1 है कि माइनस 1। आप लोगों ने क्या करना है, दोनों चेक करके देखना है। इफ एक्स इजिकल टू वन, अभी क्या करेंगे आप,
एक्स इजिकल टू वन एक बार पुट करके देखेंगे, अगर आंसर जीरो आता है तो आप लिख सकते हैं एक्स एक्स इजिकल टू वन इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और फिर एक बार आप एक्स की वैल्यू को माइनस वन पुट करके देखेंगे, अगर माइनस वन से भी जीरो आता है इट मीन्स वन एंड माइनस वन दोनों के दोनों इसके जीरो हैं पॉलिनोमियल के, क्लियर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाकी क्वेश्चन आप लोग करके प्रैक्टिस कर लीजिए, और कोई किसी में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ आते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच केस। हम लोगों को पिछले क्वेश्चन में क्या था, जीरो दिए हुए थे, हमको चेक करना था वेदर इट इज जीरो और नॉट, ठीक है, वो जीरो है कि पॉलिनोमियल का या नहीं है। अब यहां पर हमको जीरो ही फाइंड करना है, ठीक है, तो जीरो ही फाइंड करना है हमको। पॉलिनोमियल क्या दे रखा, फर्स्ट वाले में पी एक्स दे रखा हमको एक्स प्लस फाइव, इट मीन जब भी हमारा जीरो मतलब हमको निकालना है पॉलिनोमियल का तो हम उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देते हैं, पी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी, मतलब उसका जो रिमाइंडर आएगा सॉल्व करके वो जीरो आएगा। तो हमने पी एक्स इजिकल टू जीरो लिख दिया, इट मीन्स एक्स प्लस फाइव इजिकल टू जीरो, पी एक्स कितना है एक्स प्लस फाइव, तो एक्स प्लस फाइव इजिकल टू जीरो, इट मीन्स ये फाइव मेरा इस साइड चला जाएगा तो एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में एक्स इजिकल टू आ जाएगा माइनस फाइव, तो इट मीन्स माइनस फाइव इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स प्लस फाइव, मतलब अगर मैं माइनस फाइव की वैल्यू इसमें पुट करता हूं तो मेरा रिमाइंडर जीरो आएगा। जैसे अभी हम सेकंड वाला पार्ट ले लेते हैं इसी का, सेकंड वाला तो सिंपल है, हम ले लेते हैं फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ वाले में क्या है थ्री एक्स माइनस टू, इट मीन्स हम क्या करेंगे थ्री एक्स माइनस टू इजिकल टू जीरो, यानी कि थ्री एक्स इजिकल टू, अब मेरा ये जो टू होगा इस तरफ चला जाएगा, यहां माइनस में है तो यहां आएगा तो प्लस में, यानी कि टू एक्स इजिकल टू आ जाएगा, ये यहां पे मल्टीप्लाई में है तो ये इसके नीचे चला जाएगा, अगर इजिकल टू के इस तरफ जाएगा तो इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा टू अपॉन थ्री, इसका मतलब मेरी जो एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आई टू अपॉन थ्री, तो देयर फोर टू अपॉन थ्री इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, बाकी के आप इसमें ट्राई करिए। ओके, इसमें एक लास्ट वाला है सेवंथ वाला, उसमें क्या दिया हुआ है पी एक्स की वैल्यू दी हुई है सी एक्स प्लस डी, और इसने एक चीज और बोला हुआ है सी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड सी कॉमा डी आर रियल नंबर्स, तो इसका मतलब हमने सेम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है, पी एक्स इजिकल टू जीरो यानी कि सी एक्स प्लस डी इजिकल टू जीरो, सी एक्स इजिकल टू हो जाएगा मेरा माइनस डी अपॉन माइनस डी हो जाएगा एंड एक्स इजिकल टू हो जाएगा माइनस डी अपॉन सी, ये आई मेरी एक्स की वैल्यू माइनस डी अपॉन सी। उसने क्या बोला सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि सी की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, अगर जीरो के बराबर होती तो हम क्या बोलते जीरो डिवाइडेड बाय माइनस डी डिवाइड बाय जीरो, यानी कि आंसर आ जाता जीरो, तो सी की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, मतलब वन टू थ्री कुछ भी हो सकती है, सी और डी की वैल्यू कोई भी रियल नंबर्स है, तो इसका मतलब यही मेरा जीरो हो जाएगा माइनस डी अपॉन सी, एक तरह से यही जीरो हो जाएगा, इसी की वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पर तो यही हो जाएगा इसका जीरो इस पॉलिनोमियल का, क्लियर है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर पसंद आया हो, जितने भी क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट हैं और जिसके भी भाई लोग क्लास नाइन्थ में हैं और जिसके भी बच्चे क्लास नाइन्थ में हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं, मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत मदद मिली होगी इस वीडियो से। तो नेक्स्ट 2.3 एक्सरसाइज करेंगे, और ध्यान दीजिए पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों को इसमें मतलब आगे चल करके आप लोगों को बहुत इस चैप्टर से हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 2.3 नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके गुड बाय गाइस।